तो दोस्त, इस समय की पहले बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे सीटेट की। हमारी ऑफिशियल आंसर की को दोस्तों जारी कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने अपनी सीटेट की ऑफिशियल आंसर की नहीं देखी है तो कैसे इसको देखिए देखना है, उसका पूरा प्रोसेस बताते हैं। हमने दोस्तों आपके लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, जहाँ से दोस्तों आप सीधे मेन पेज पर पहुंचेंगे, जहाँ पर आपको लॉग इन करना पड़ेगा। आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए अपना रोल नंबर फिल करना है और आपको डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट है। फिर उसके बाद ये जो भी महीना है दोस्तों उसको लिखना है, उसके बाद आपको ईयर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपका दोस्त यहाँ पर आंसर की शो हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों देखिए कुछ और बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखते हैं। रीड पर्चा लीक मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सचिन पायलट ने देखिए दोस्तों रखा सरकार का पक्ष। अभी दोस्तों उत्तर प्रदेश में जब हमारा यूपी टेट का पेपर 2017 के क्वेश्चन पेपर से रिपीट होता है, तब दोस्तों यूपी में कोई भी भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन नहीं करते। लेकिन दोस्तों जब ये राजस्थान की बात आती है तो वहां पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट का मामला था 69,000 शिक्षक भर्ती का सबसे बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ। ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के 206,800 सीटों पर चयन दूसरे कैटेगरी के छात्रों का कर दिया जाता है। समझिए दोस्तों, अभी तक 6,800 बच्चों को नौकरी नहीं दी गई। सोचिए ये बच्चे एक साल पीछे चल रहे हैं। अगर एक साल पहले इन बच्चों को भैया नौकरी मिल जाती तो तकरीबन इनको 5 लाख का नुकसान हो रहा है। सभी बच्चों को एक साल में तकरीबन ये बच्चे 5 लाख रुपए कमा लेते, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी भैया नुकसान की भरपाई कौन करेगा। 6,800 एससी कैटेगरी के छात्र इसमें और ओबीसी कैटेगरी के भी छात्र हैं। तो ये दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती एक बहुत ही बड़ा आरक्षण घोटाला है। उसके बाद दोस्तों कुछ और बड़ी अपडेट अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, अगर आप डीएलएड के छात्र हैं तो भैया हमारी जो डीएलएड की परीक्षा 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक होने वाली थी, उसको फिलहाल दोस्तों स्थगित कर दिया गया। स्थगित होने का कारण दोस्तों कोरोना वायरस नहीं है, स्थगित होने का कारण दोस्त हमारा है चुनाव। चुनाव के दोस्तों मद्देनजर ही परीक्षा को स्थगित किया गया है। अब ये परीक्षा दोस्तों मान के चलिए चुनाव के बाद ही कराई जाएगी डीएलएड की। उसके बाद दोस्तों कुछ और बड़ी बात हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए यूपी टेट के जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें दोस्तों आपके कितने नंबर अभी और बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो क्वेश्चन चैलेंज करने थे, आज हमारी तारीख 1 फरवरी 2022 समाप्त हो रही है और इस वीडियो में हम 2 फरवरी की भी बड़ी अपडेट को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों आपत्ति दर्ज करने की हमारी तारीख निकल चुकी है। अब देखिए जितने क्वेश्चन पर हमने ऑब्जेक्शन फाइल किया है उसी पर हमें कॉमन नंबर मिल सकता है। अब आपके मन में कुछ और सवाल होगा कि अगर हम क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करना भूल गए या किसी भी बच्चे ने आपत्ति दर्ज नहीं की, तो फिर दोस्तों देखिए हमारा एक ही विकल्प बचेगा हाई कोर्ट, ठीक है। लेकिन आपत्ति दर्ज करना भी दोस्तों यहाँ पर बेहद जरूरी होता है, नहीं तो हाई कोर्ट में आप जाएंगे तो वहां पर भी तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ना, जब आपने ऑब्जेक्शन ही फाइल नहीं किया तो सीधे हाई कोर्ट क्यों आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी प्रोसेस होता है वो लीगल तरीके से किया जाता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जो भी देखिए इसकी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी दोस्तों जो हमारी बात है, जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था, यूपी टेट परीक्षा क्या दोबारा कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अब दोस्तों जब इसकी सुनवाई शुरू होगी तभी दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी पेपर में जब इतने ज्यादा क्वेश्चन, 90 से ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गए। सोचिए अगर ये पेपर सुपर टेट का होता और कुछ बच्चों को पहले से पता चल जाता कि भैया इस साल वाला पेपर आने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर कहीं से भी तो मैच कर सकता है ना। अब यूपी में जैसे सुपर टेट का पेपर होता है, मान लेते कि यूपी के सुपर टेट में कहीं का टेट का ही पेपर डाल दिया जाए, जैसे राजस्थान में रीट का पेपर रिपीट कर दिया जाए, तो कितना ज्यादा दोस्तों बच्चों को नुकसान हो सकता है। जिन बच्चों को पहले से पता होगा कि ये क्वेश्चन आने वाले, उन बच्चों का तो पेपर बेहतर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सरकार को ये चाहिए कि भैया इस तरह से पेपर सेट किया जाए कि किसी भी बच्चे का नुकसान ना होने पाए। जब दोस्तों क्वेश्चन इतने ज्यादा रिपीट कर दिए जाते तो मतलब एजेंसियों पर दोस्तों सवाल खड़ा होता है ना, पीएनपी पर भी तो सवाल खड़ा होता है। जो हिंदी का पेपर सेट किया उस बंदे ने क्या किया, क्या वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के लिए दोस्तों सैलरी ले रहे हैं कि मतलब पेपर भी एक नहीं बना सकते कि क्वेश्चन नए डाल रखे, इतने क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी में, लेकिन वो क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हिंदी का छोड़ दीजिए दोस्तों, मैथ में डिजिट सेम हो गए, मैच कर गए। अब बताइए मैथ में 2 की जगह 3 भी लिख सकते थे ना, मतलब इतनी भी दोस्तों ये मेहनत नहीं कर रहे कि 2 की जगह 3 लिख देते। तो ऐसे ऐसे दोस्तों क्वेश्चन में अब बताइए क्या कहा जाए। मामला देखिए कोर्ट में गया है, अगर आप फेल हो रहे तो अभी परेशान मत हुई, डीमोटिवेट मत हुई, क्योंकि दोस्तों जब 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित हुआ था तो उस समय 6,800 बच्चे ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के भी बच्चे छात्र निराश हुए थे, टेंशन लिए थे, लेकिन दोस्तों बाद में जीत भी होती है, ठीक है। फिलहाल दोस्तों मामला कोर्ट में चल रहा है, बच्चों को नियुक्ति पत्र तो नहीं मिल पाए, लेकिन ये मान के चलिए
आज नहीं तो कल इन बच्चों को नियुक्ति पत्र जरूर मिलेगा। ठीक है, मामला 200 कोर्ट में है। नियुक्ति पत्र 200 दो तरीके से मिल सकता है, या तो 6800 नई भर्ती की सीट इसमें जोड़ दिया जाए, या दोस्त ये करेंगे 6800 बच्चे जिन बच्चों को अवैध तरीके से नौकरी दी गई है उन बच्चों को भैया नौकरी से हटाया जाएगा। लेकिन नौकरी से हटाने पर उन बच्चों को नुकसान भी काफी ज्यादा होगा। सोचिए कि हम लोग गलती किसी और की, लेकिन दोस्तों नुकसान किसी और का होगा। ठीक है, भले 200 सॉफ्टवेयर की गलती हो या कैसी भी गलती हुई हो, लेकिन गलती तो हुई है। तो ये दोस्तों एक बड़ा मुद्दा है, जो भी इसकी ऑफिशियल अपडेट देखी आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका काम दोस्तों क्या है कि शिक्षक भर्ती की जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसको बढ़िया से तैयारी करिए। कोई भी दोस्तों आप तैयारी में लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि आप देखिए आपका यूपी टेट या सी टेट में से कोई एक पेपर तो क्लियर हो ही जाएगा। कमेंट बॉक्स में देखिए लिंक दिया है, वहां से पहले दोस्तों आपको अपने ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करना है और आपको मिलाना है। आप देखिए दोस्तों रिस्पॉन्स वाली अलग आंसर की है, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर सेट होगी वो अलग होगा, उसके बाद ऑफिशियल आंसर की अलग है। अब कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं कि भैया आप तीन तीन मोबाइल हम कहाँ से लेके आए चेक करने के लिए, अलग अलग जगह देखेंगे। यह तो दोस्त उसका आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लेकिन पेज ज्यादा हो जाएंगे। अब सबसे आसान तरीका है कि आपके पास रिजल्ट, लेकिन दोस्तों आपको आंसर की मैच कराना जरूरी है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्शन भी तो फाइल करना है ना। अगर आप आंसर की नहीं निकालेंगे तो ऑब्जेक्शन कैसे फाइल करेंगे, यहाँ पर भी तो मेन दिक्कत आ रही है। इसकी दोस्तों जो भी अपडेट देखी आती रहेगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल आप लोग परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उसको बेहद अच्छे तरीके से करिएगा। लापरवाही के दोस्त देखिए अगर गुंजाइश होगी तो फिर नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। तो सुपर टेट के दोस्तों आपकी जो तैयारी हो अच्छे तरीके से करिएगा। और देखिए दोस्तों जो नौकरी का प्रोसेस है ना आगे, तो आपको बताते चले 40% दोस्तों हमारा एकेडमिक लिया जाता है, प्लस 60% हमारा सुपर टेट से लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी तक दोस्तों यहाँ पर टेट का कोई भी रोल नहीं है। अगर आप यूपी टेट की परीक्षा दें या सी टेट की परीक्षा दें तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ उसका पासिंग मार्क लगेगा, नंबर से कोई दोस्तों लेना देना नहीं कि आपने 135 नंबर स्कोर कर लिया है कि 150 में 150 नंबर लिया, उससे कोई लेना देना नहीं है। पासिंग मार्क फिर से आपको बता दें, जनरल कैटेगरी में पास होने के लिए आपको 90 नंबर लाना जरूरी है। अगर आप आरक्षित वर्ग के छात्र हैं जैसे ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, इनमें से दोस्तों अगर आप किसी भी कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको पास होने के लिए 82 नंबर लाना बेहद जरूरी है। बाकी जो भी अपडेट निकल कर आएगी उस अपडेट को हम आप तक देखिए लगातार पहुंचाते रहेंगे, कोई भी खबर इस YouTube चैनल पर आपसे छूटेगी नहीं। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सीटेट के आंसर की जल्द से जल्द डाउनलोड करिए, और अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन, बाकी सुपर टेट की दोस्तों जो फ्री में क्लासेस होंगी, जी हाँ दोस्तों फ्री वाली वीडियोस में आपको बिल्कुल पेड वाली क्लास का जो भी मतलब होगा ना अच्छे वाले मटेरियल वो दोस्तों आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो अच्छी नोट्स होंगी, ठीक, उसका जो निचोड़ होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे दोस्तों उसकी एक वीडियोस बनाई जाएगी, ताकि आप कम से कम क्वेश्चन पढ़ के सुपर टेट में दोस्तों आप एक अच्छा खासा स्कोर हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।